हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ काका देव, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। काका देव अपने आप में ही बहुत ही फेमस जगह है। इसको लोग कोचिंग मंडी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर पूरे देश से मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए और इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट्स आते हैं। काका देव में बहुत ही अच्छी कोचिंग्स हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए, और यहाँ पर बहुत ही रौनक और चहल पहल वाला माहौल रहता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का सफ़र काका देव का। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ पर न्यू स्पीड, न्यू लाइट और बहुत ही अच्छी कोचिंग है। और ये आता है हमारा ऐसा एरिया जो कि बहुत ही चहल पहल वाला है, जिसको हरी गर्ल्स हॉस्टल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अब हम जाएंगे यहाँ से काका देव कानपुर की बहुत ही फेमस चाय की दुकान पर, जिसका नाम है तलब चाय। दोस्तों, आज मैं आया हूँ काका देव कानपुर की फेमस चाय की दुकान पर, जिसका नाम है तलब। तो अब हम यहाँ के ओनर से बात करेंगे इस बारे में कि ये इतनी फेमस चाय यहाँ पे क्यों है और इतनी भीड़ क्यों लगती है, और ये पूरे काका देव कानपुर का सबसे बेस्ट चाय का स्टॉल है। और आपको हम बात कराते हैं इनके ओनर से। तो आप बताइए, रीजन ये कि हमारी मसाला चाय है सबसे पहली बात, क्योंकि कानपुर में मसाला चाय यहाँ चलती नहीं है। अच्छा, तो हम लोग पुणे से, मतलब ये फ्रेंचाइजी हम लोग वहाँ से ली है पुणे से। अच्छा, और यहाँ पे काफी भीड़ रहती है पूरे दिन, और ये कितने बजे तक खुली रहती है चाय की दुकान रात में? ये रात आपको 2 बजे तक दुकान खुली रहती है, मतलब रात में 2 बजे तक खुली रहती है। हाँ, रात 2 बजे तक। अच्छा अच्छा, और जैसे ये काका देव सब जानते हैं कोचिंग मंडी है, काफी फेमस जगह है, ना कि कानपुर में बल्कि यूपी में, और यहाँ पे काफी स्टूडेंटों का आना जाना लगा रहता है, तो काफी टेस्टी चाय यहाँ की होती है, तो इसीलिए मतलब इतनी भीड़ रहती है यहाँ। हाँ। और क्या स्पेशल है इस तलब चाय का यहाँ पे? यहाँ तो स्पेशल केवल चाय है, और उसके अलावा हमारे पास ग्रीन टी है, लेमन टी है, ब्लैक टी है, उस तरह मतलब तलब नहीं लगती है। मतलब हमारे मतलब यहाँ मतलब ये है कि कानपुर में मतलब मसाला चाय मिलती नहीं है। अच्छा अच्छा, इसलिए मतलब पहली बार यहाँ मसाला चाय आई, इसलिए मतलब आदमी को लगता है मसाला ज्यादा अच्छी होती है इसलिए। अच्छा, और हमारी चाय में आपको मतलब एसिडिटी नहीं होती है, आप चाहे 10 चाय पिए, मतलब कितनी भी चाय पीजिए, आपको एसिडिटी कभी नहीं होती। अच्छा अच्छा, ये है। जैसा कि आपकी एक ब्रांच यहाँ काका देव कानपुर में है, क्या और भी ब्रांचेस है कानपुर में तलब चाय की? नहीं, दूसरी ब्रांच हम खोलना चाह रहे हैं, तो IIT खोले स्वरूप नगर में, दो में एक जगह मतलब हम लोग खोलने का सोच रहे हैं अभी। अच्छा अच्छा, तो कब तक मतलब वो ओपनिंग होगी इनका? शायद बार ये लास्ट मार्च तक ओपनिंग होगी इसकी। अच्छा, तो लास्ट मार्च तक और भी जगह कानपुर में आप ब्रांचेस। तो जैसा कि आपने बोला कि जो कंपनी है तलब चाय की वो पुणे की है, तो आपने इसकी फ्रेंचाइजी ली है, अगर किसी व्यक्ति को फ्रेंचाइजी चाहिए तो आप प्रोवाइड कराते हैं वो? हाँ, कंपनी प्रोवाइड कराते हैं। आप प्रोवाइड कराते हैं? हाँ। तो क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे चाय के बारे में? यहाँ की चाय जो है बहुत फेमस है, और हम कानपुर से दलम पढ़ते हैं, वहाँ से हम चाय पीने के लिए जरूर शाम को यहाँ आते हैं चाय पीने के लिए। ये इतनी फेमस चाय है यहाँ की, देख सकते हैं काफी इंटीरियर मेंटेन करके रखा हुआ है इन्होंने। और ये हमारे भैया हैं जो
इस चाय के पीछे जिसका हाथ है मेहनत का वो है ये भैया, इतनी स्वादिष्ट चाय बनाते हैं। कुछ कहना चाहेंगे भैया आप? इतनी अच्छी चाय बनाते हैं आप, इतनी भीड़ लगती है यहाँ पर। चाय हमारी जो है मसाला चाय है, इससे एसिडिटी नहीं होती है। अच्छा, और इसमें लगभग 12 चीजें मिल के बनाते हैं मसाला, जिससे हमारी चाय बहुत स्वादिष्ट बनती है। अब मैं ये यहाँ की तलब की चाय टेस्ट करने जा रहा हूँ और आप सभी को बताऊंगा कि चाय का क्या टेस्ट था। जैसा कि बताया था इन्होंने कि एक नॉर्मल चाय से अलग चाय, क्योंकि इनकी मसाला चाय है जो कि और कहीं नहीं मिलती है, तो उसी हिसाब से इसका जो टेस्ट नॉर्मल चाय होती है उससे थोड़ा अलग है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि इस चाय से ना कोई एसिडिटी होती है ना और चीज़ें होती है, क्योंकि ये जो मसाला डालते हैं वो इस तरह से डालते हैं जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए यहाँ की चाय इतनी फेमस है कि और स्टूडेंट काकादेव के और भी दूर दूर से स्टूडेंट यहाँ पे चाय पीने के लिए आते हैं। तो अगर आप कभी कानपुर आ रहे हैं या आप कानपुर में हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर आइए तलब चाय पर, बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी चाय है, आप ज़रूर आइएगा। मैं आया हूँ काकादेव की काफी फेमस जो कि गब्बर की गारमेंट्स की दुकान है। यहाँ पे काफी अच्छे कपड़े मिलते हैं, काकादेव के बहुत ही मतलब फेमस दुकान है ये कपड़ों की। तो आज मैं आपको ये दुकान दिखाऊंगा और यहाँ पे बात कर पाऊंगा आपको किस किस तरीके के कपड़े मिल सकते हैं और क्या क्या इनकी मतलब क्वालिटी है उसके बारे में बात करेंगे हम। तो ऐसा क्या खासियत थी जो आपने इस शॉप का नाम गब्बर रखा? एक्चुअली क्या ये हमारे काकादेव में गब्बर एंड स्टाइल के नाम से शॉप है, जो कि यहाँ पे हर टाइप की आपको वैरायटी मिल जाएगी, जीन शर्ट टी शर्ट शॉर्ट्स, मतलब एक्सक्लूसिव वैरायटी जो ब्रांड पैटर्न होते हैं उससे आपको सब कुछ मिल जाएगा। अपने पास रेंज भी ऐसी जो स्टूडेंट के अफोर्ड कर ले, जो स्टूडेंट अफोर्ड कर लेते हैं। ये है जो मेंस वियर है ओनली की वुमेंस वियर भी है? ओनली फॉर मेंस वियर, सिर्फ मेंस वियर जी। अच्छा, हाँ तो क्या मतलब खासियत है कि यहाँ पे मतलब जो काफी स्टूडेंट आते हैं लेने के लिए कपड़े, और ये बहुत दूर दूर तक फेमस है काकादेव में गब्बर नाम से, तो ऐसा क्या है आपकी मतलब कपड़ों की क्वालिटी में और प्राइजेस में जो सारे लोग यहाँ पे लेने के लिए आते हैं? एक्चुअली जो हमारा नाम है गब्बर, तो उस हिसाब से थोड़ा अपना लुक भी वैसे ही है, और आपका क्या बोलते हैं इसको, ये जो गब्बर फिल्म आई थी तो उससे काफी दिमाग में आ जाती है कि गब्बर एंड स्टाइल काकादेव में शॉप है। जब भी कपड़ों की बात होती है तो दूर दूर तक लोगों को गब्बर शॉप याद आती है। बिल्कुल 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 भैया बिल्कुल, ठीक है। तो आप वैरायटी दिखाइए जी। बिल्कुल, तो आप जैसा यहाँ देख सकते हैं काफी न्यू कलेक्शंस की जीन्स मिल जाएंगी आपको, शर्ट्स मिल जाएंगी और टी शर्ट का भी कलेक्शन रहता है यहाँ पर। तो आप भी एक बार जरूर आइए इनकी शॉप पर, ये है काकादेव में। तो मैं आज आया था काकादेव की काफी फेमस द तंदूरी चाय के पास, तो ये जो चाय है यहाँ पे तंदूर की चाय मिलती है और इनका काफी अच्छा यहाँ पर है चाय का सिस्टम, यहाँ पे चाय का टेस्ट भी बहुत अच्छा है और साथ ही साथ में मतलब जो लोकेशन है वो भी काफी अच्छी है। तो मैं आपको दिखाऊंगा आज इनका पूरा तंदूरी चाय का सेटअप। We'll be right back.
मिठाई जो यहाँ की है काका देव की काफी फेमस है और यहाँ का लोकेशन भी बहुत अच्छा है, तो आप एक बार जरूर आइए यहाँ पे चाय पीने के लिए। काका देव आए तो यहाँ की चाय जरूर पिए, द तंदूरी चाय। तो अब मैं आया हूँ काका देव की काफी फेमस फास्ट फूड की दुकान पर जिसका नाम है राम फास्ट फूड। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं और काफी फास्ट फूड के ऑप्शंस हैं और यहाँ पे आप उस चीज का लुत्फ उठा सकते हैं। तो मेन जो राम फास्ट फूड है उनका जो मेन है मैगी, तो ये भैया है हमारे, तो ये मैगी काफी अच्छी बनाते हैं यहाँ पर। तो अभी हम भैया से बात करेंगे और पूछेंगे यहाँ का क्या काफी फेमस चीज क्या क्या है। चीज मैगी है, बटर मैगी है, चीज बर्गर है, बन मक्खन है, ऑमलेट है, चीज सैंडविच हो जाएगा आपका, चीज सैंडविच हो जाएगा। तो मतलब एक ऐसी चीज होगी जो बहुत ही फेमस होगी जिसके लिए यहाँ पे भीड़ लगी रहती है, वो क्या है यहाँ का मोस्ट फेमस चीज क्या है? चीज बर्गर, चीज बर्गर काफी यहाँ का फेमस है। और यहाँ पे मैंने सुना है मैगी भी काफी अच्छी मिलती है, तो मैगी कौन सी टाइप की मैगी सबसे ज्यादा आप बनाते हैं और या बिस्ती आपकी? फ्राइड मैगी, फ्राइड मैगी सबसे ज्यादा बिस्ती है। तो ये आपकी जो शॉप है वो कब तक खुली रहती है? सुबह 9 से रात में 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक। क्योंकि यहाँ पे जैसे आप जानते हैं काका देव कोचिंग मंडी है, काफी स्टूडेंट रहते हैं, तो इस वजह से आप रात के 12 बजे तक इसको खोल के रखते हैं। भैया आप कुछ बताना चाहेंगे यहाँ पे? बताओ। मैं यहाँ पे मैगी खाने आया हूँ, राम की मैगी वैसे भी हर जगह फेमस है पूरे कानपुर में, तो बस उसी का स्वाद लेने आए यहाँ पे। अभी हम भैया से बात करेंगे, तो भैया आप यहाँ पे आते हैं राम भैया की दुकान पे, तो क्या यहाँ का फेमस है, क्या खाने के लिए आप आते हैं? भैया यहाँ पे चीज ऑमलेट है, फ्राइड मैगी है, पाव भाजी है, चीज ऑमलेट है, ये सब कुछ बहुत टेस्टी है, बहुत अल्टीमेट बनाते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी इनके पास आइटम्स हैं, कोल्ड कॉफी बनाते हैं भैया, सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है। तो आगे जो है जैसे ये आप सभी जानते हैं कि काका देव का काफी फेमस मतलब फास्ट फूड कॉर्नर है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फेमस है ये, सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे भीड़ मिलती है हमेशा, जब भी यहाँ पे लाइन लगी रहती है लोगों की। हाँ, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं काफी लोग मतलब हमेशा रहते हैं यहाँ पर।